हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि रिलेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में तो इससे पहले कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड थी कि वो कैसे कैसे उनको गवर्न करते हैं कैसे उनको रिक्रूट किया इलेक्ट किया जाता है तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक भी टाइम टू टाइम पहुँचते रहिए तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया तो उसके रिगार्डिंग बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 66 सिक्स वन का कहना है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट वेट यानी कि जो इनकी जो वोटिंग होगी वाइस प्रेसिडेंट की वो एक थ्रू एक सीक्रेट वॉलेट के थ्रू की जाएगी जिसके द्वारा जो होगा आपका बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सिस्टम के द्वारा किया जाएगा अब आगे बात करते हैं हम हु कैन बी अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दैट मींस की क्या क्या क्वालिफिकेशन है फॉर अ बिकम बिकमिंग अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आर्टिकल सिक्सटी सिक्स थ्री के बारे में कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेजिडेंट अनलेस ही यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है कि अगर वो या तो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का और दूसरा उसने थर्टी फाइव ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हो और इंड इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो किसी भी काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स के मेम्बर के रूप में इलेक्ट हो सके तो वो एक इलेक्टेड मेम्बर गिना जा सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल सिक्सटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद कहते हैं टर्म की दैट मीन्स की वट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट तो उसके बारे में डील करता है आर्टिकल सिक्सटी सिक्स सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस यानी कि जिस डेट से उन्होंने अपने ऑफिस में अपनी शपथ ली है ऑफिस में एंटर किया है तो वो फॉर द टर्म ऑफ फाइव ईयर्स यानी कि पाँच साल के लिए उनको नियुक्त किया किया जाता है जो कि प्रोविजन दिया गया है

to move the resolution so this is the complete concept as the important facts as to how it can be recruited and what are the qualifications for becoming a vice president of india that has been given under article 66 and article 67 of the indian constitution so friends i hope this video is informative for you and if you first viewer on my channel please do subscribe my channel so that you will get all the upcoming updates or videos or from time to time Thanks for watching this video.